पार्षदों का रायपुर में सम्मेलन हो रहा है, जिसमें उनका सम्मान भी किया जाएगा। 1,500 से अधिक पार्षद, 10 महापौर, 38 नगर पालिका अध्यक्ष, 63 नगर पंचायत अध्यक्षों का जमावड़ा राजधानी के इंडोर स्टेडियम में लगा है। नगरीय निकाय चुनाव में मिली एक तरफा जीत से उत्साहित कांग्रेस इस सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भी मौजूदगी आप मंच पर देख सकते हैं। साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, छत्तीसगढ़ सरकार के ज्यादातर सभी मंत्रियों की मौजूदगी आप देख सकते हैं इस वक्त मंच पर है। साथ ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मोर्चा संगठन के अलावा प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी है। तो कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उपाध्यक्ष, तमाम लोगों को आप इस वक्त देख सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज बहुत ही ऐतिहासिक पल हमारे बीच में, जब अधिकांश नगरीय निकाय में कांग्रेस के हमारे जमात कार्यकर्ता, जिनके दम पर इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, और उस सरकार की नीतियों की वजह से नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और अभी पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, आप सबके सहयोग से ग्रामीण सत्ता में भी कांग्रेस के साथियों का वर्चस्व होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और सभी साथियों से भी निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राजगीत जो है आपके समक्ष बजाएं। धन्यवाद। भारत माता के, छत्तीसगढ़ महतारी के, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, पीएल पुनिया जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि अतिथियों के स्वागत के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले रायपुर के नवनिर्वाचित महापौर आकर आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी और हमारे अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें।
मैं महापौर चिरमिरी के महापौर फूलमाला कृपया यहाँ पे मंच में लिया है। मैं आदरणीय महापौर लोगों से भी आग्रह करूंगा कि हमारे अतिथि आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे जी से भी आग्रह है कि आकर यहाँ पे स्वागत करने का कष्ट करें। चिरमिरी के महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल, अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्के, रायगढ़ के महापौर श्रीमती जानकी काटजू, कोरबा के महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव, धमतरी के महापौर श्री विजय देवांगन, दुर्ग के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल, राजनांदगांव के महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, जगदलपुर के महापौर श्रीमती सफीरा साहू से आग्रह है कि आकर यहाँ पे स्वागत करें। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल जी से आग्रह है कि गमछा के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष नारायण कुर्रे जी, शहर के अध्यक्ष गिरीश दुबे जी से आग्रह है कि यहाँ पे उपस्थित हमारे आदरणीय चंदन यादव जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज भंडावी जी, आदरणीय मंत्री टीएस सिंधु जी, आदरणीय तामदास साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय जय सिंह जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी का यहाँ पे पुष्पहार से सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से निवेदन है कि हमारे सम्मानित मंत्रियों का स्वागत करें। हमारे विधायक रायपुर के आदरणीय विकास उपाध्याय जी, अनिता शर्मा जी से भी आग्रह है कि आकर हमारे अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। सभी जिलाध्यक्ष से निवेदन है कि सभी मंत्रियों का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी जी, कन्हैया अग्रवाल जी, फूलो देवी नेताम जी, सलाम रिजवी जी, मैं चावड़ा जी से भी आग्रह है कि हमारे अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। अरुण बंद्रा जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्ण चंद पाड़ी जी स्वागत करने कष्ट करेंगे। सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच में उपस्थित हमारे अतिथियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जिन सबके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में
नगरी निकाय में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व साबित करने में कामयाब रही है। अवसर है अतिथि देवो भव। सबसे पहले हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं और उसके बाद आज जिनका यहाँ पे सम्मान होना है, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने सभी हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को यहाँ पे आमंत्रित किया है, हमारे अतिथि जो है उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, ताकि इस ऊर्जा के साथ जब अपने निकाय में वो जाएंगे और बेहतर तरीके से नगर विकास के लिए उनके द्वारा काम होगा। तो मैं सबसे पहले हमारे रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री, हालांकि उनके गला बैठा हुआ है लेकिन फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा, आदरणीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से, कि वो यहाँ पे स्वागत भाषण, आदरणीय रविंद्र चौबे जी। हम सबके मार्गदर्शक बहुत ही आदरणीय हमारे राज्य के प्रभारी परम सम्मानी श्री पुनिया जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास जी महान, मंच में उपस्थित प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, मंचस्थ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, सम्मानित सभी महापौर साथी, सभी सभापति साथी, नवनिर्वाचित सभी माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापतिगण, माननीय विधायकगण, पत्रकार मित्रों, देवियों दोस्तों, सबसे पहले हृदय से आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम रखा जनमत का सम्मान, और सौभाग्य से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे आदरणीय प्रभारी महासचिव श्री पुनिया साहब यहाँ मौजूद है, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी मौजूद है। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मित्रों, नगरी निकाय के चुनाव संपन्न हुए, अभी पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 से भी अधिक बहुमत देकर के आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत बनाई, आपकी अपनी सरकार बनाई। केवल एक साल का पूरा कार्यकाल अभी बीता है, 2-3 महीने अगर आचार संहिता का निकाल दे तो 8-9 महीने के कार्यकाल में इस सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जो काम रहे हैं, उसके कारण जब अर्बन बॉडी के चुनाव में हम गए तो नगरी निकायों में वहां की जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाया। ये पहली बार हुआ
कि 10 नगर निगम में चुनाव हुए और दसों के दसों नगर निगम में जनता ने कांग्रेस के पक्ष में महापौर भी बनाया और सभापति भी बनाया। नगर पालिकाओं में कांग्रेस का वजूद, नगर पंचायतों में एकतरफा कांग्रेस की जीत इस बात को साबित करती है कि आदरणीय पुनिया जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद में छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश जी की सरकार जो काम कर रही है, जनता ने उसमें फैसला उस फैसले में मुहर लगाया है। मित्रों, आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा सोचने का वक्त नहीं, अब केवल काम करने का समय है। रायपुर नगर निगम के पदभार ग्रहण के दिन आदरणीय महापौर एजाज जी ने जब कहा कि उनको विकास के लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पैसे की कोई कमी नहीं, आप सरकार को प्रोजेक्ट भेजिए, आप सरकार को योजना बना करके भेजिए। और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, बड़े दिल के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो कर दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। 1,00,000 करोड़ के बजट में 20,000 करोड़ की धान खरीदी, 12,000 करोड़ का कर्जा माफ, 5,000 करोड़ का गरीबों का चावल और 1,000 करोड़ का बिजली बिल हाथ, 37,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने करके दिखाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया। और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, आप चूंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे, नगरों का विकास करना है, वहाँ गरीबों की तरक्की का काम करना है, कुछ योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने दी है, हम लोगों ने तय किया है, वार्ड कार्यालय चलाए जाएंगे। इसका मतलब है सभी नगरीय निकायों में वार्ड के कार्यालय स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा है वार्ड क्लिनिक चलाए जाएंगे, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग से कोऑर्डिनेट करके हर नगरीय निकायों में वार्ड क्लिनिक चलाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का सपना है कोई गरीब बेघर ना रहे, सबकी आवास की व्यवस्था, सबकी स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था, सबकी राशन कार्ड की व्यवस्था, सबकी पानी की व्यवस्था, सबके लिए भोजन की व्यवस्था, सबके लिए काम की व्यवस्था, यह हमारी प्राथमिकता है। बड़े बड़े सीमेंट के जंगल या निर्माण काम पचरी या केवल सीमेंटीकरण आवश्यक नहीं है, गरीबों के आंसू पोंछना, गरीबों की मदद करना और छत्तीसगढ़ सरकार की आदरणीय भूपेश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है, जो योजनाएं दी है गरीबों के लिए, उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारे सारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की है। मैं आज सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप हम सबको खरा उतरना है और आदरणीय पुनिया जी के आशीर्वाद के अनुरूप छत्तीसगढ़ के सारे नगरीय निकायों का विकास का काम करना है। पुनः आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव आदरणीय चंदन यादव जी को आमंत्रित करता हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें। लगाइए नारा हमारे साथ, जनमत के सम्मान समारोह में हमारे यहाँ पर आए हमारे नेता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, राज्यसभा के सांसद, हम सबों के मार्गदर्शक आदरणीय पीए पुनिया साहब, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय श्री मोहन मरकाम जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय श्री चरणदास महन जी, टीएस सिंह देव साहब, ताम्रध्वज सिंह साहब, ताम्रध्वज साहू साहब, हमारे तमाम मंत्रीगण,
और हमारे चुने हुए मेयर और अध्यक्षगण और तमाम छत्तीसगढ़ से कोने कोने से आए हमारे जीते हुए पार्षद साथी और हमारे सबसे प्रिय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आज छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय के चुनाव में 10 के 10 मेयर जीतकर अपने इतिहास रचा है। साथियों, ये समय उत्सव का है ही कि जो आपने इतिहास रचा है, लेकिन साथ ही साथ मैं तमाम अपने छत्तीसगढ़ कांग्रेस परिवार से उन चुनौतियों को भी याद दिलाना है कि हमने जनमत तो विजय की है, हासिल की है, लेकिन हमारे सामने चुनौती है। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए तमाम साथियों से उन चुनौतियों को नारों के माध्यम से आपसे अवगत कराऊंगा और उस प्रतिबद्धता के साथ आज इस अवसर पर कि हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे। इसलिए साथियों, हम कुछ भी बोले आप बोलिएगा जीतेंगे, ठीक है, कुछ भी बोलेंगे बोलिएगा जीतेंगे। अरे आतंकवाद से, अरे आतंकवाद से, अरे बेरोजगारी से जीतेंगे, अरे नक्सलवाद से जीतेंगे, अरे सांप्रदायिकता से जीतेंगे, अरे महंगाई से जीतेंगे, अरे भाईवतीवाद से जीतेंगे, अरे कुछ भी कर लो जीतेंगे, अरे सीए से जीतेंगे, अरे एनआरसी से जीतेंगे, अरे एनपीआर से जीतेंगे, अरे महंगाई से जीतेंगे, अरे लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। धन्यवाद चंदन जी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय श्री तामदास साहू जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार साहू जी का स्वागत करें। जनमत का सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय पीएल पुनिया जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी, प्रभारी सचिव आदरणीय चंदन यादव जी, अब अगर बात नाव लेबर मना करे हैं तो मंच में बैठे सबो सम्मानित मंत्रीगण, सबो सम्मानित विधायकगण, नगर निगम मन के महापौर और सभापति मन, संगे संग नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मन और उपस्थित जम्मो पार्षद मन और उपस्थित सबो कांग्रेस के भाई बहनी मन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मीडिया के संगवारी मन, अधिकारी मन, सब झन ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई और शुभकामना। अबड़ झन जीत के आगे हो तो नाम लेवाना संभव भलो नहीं है, एक से भी सब ने बहुत बहुत बधाई दे। चौबे जी बहुत सारा बात मैं करी, मैं एक दूसरा निवेदन करके बात खत्म करूँ। कई जन पार्षद मन पहली बार जीत के आए हैं, कई जन मन 2, 3, 4, 5, 6 बार घलो है, 6 तक के तुम्हारे सूरता है, 7 वाले है तो मैं नहीं जानो, पर 6 वाले तुम्हारे जगदलपुर में मिल गई तो मतलब सूरता है। अब क्या कन पार्षद बने बने।